टूटा हुआ हो, ऐसे मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर लोगों का दिल करता है कि जाएं जी कोयटा होटल पे, आलमगीर होटल पे जाके पराठा खाएं लच्छे वाला, और उसके साथ वो तेज़ चीनी वाली चाय पिएं दम वाली, और उनको बड़ा मज़ा आता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, चाय पराठा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स। तो आज मैं बना रही हूँ आलमगीर वाला पराठा लच्छे वाला, और उसके साथ बना रही हूँ सूजी का हलवा, और साथ में चाय बनाऊंगी। तो चाय तो आप सबको बनानी आती ही है, मेरा भी मेथड देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मेक लच्छा पराठा ऑफ कोयटा होटल। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, एक टीस्पून नमक, उससे टीस्पून से थोड़ा कम, एक टेबलस्पून चीनी, आधा कप दूध, एक टेबलस्पून ऑयल और पानी गूंदने के लिए तकरीबन एक कप। जी तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ सूजी का हलवा, सिंपलेस्ट वे। शायद मैंने किसी वीडियो में, अपनी ब्रेकफास्ट वाली वीडियो में पहले भी बताया हुआ है, लेकिन अब ज़रा मेजरमेंट के हिसाब से मैं बताती हूँ कि सूजी का हलवा इन पराठों के साथ बहुत मज़ा देगा, वो कैसे बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखें कि सूजी के हलवे में जितनी सूजी होगी उतनी चीनी होगी। कुछ लोग उसी में भून के पानी डालते हैं, लेकिन मैं शीरा बना के डालती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है। सबसे पहले जी हमने दो कप पानी लेके, यही जितना डबल द शुगर, और उसमें चीनी डाल के हल्की आंच पे चाशनी बनाने के लिए उसे रख देना है, और उसको थोड़ा हिला देना है। फिर हमने लेना है आधा कप देसी घी और दो इलायचियाँ, उनको हम कूट के और इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, तेल, हाँ घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये एक कप सूजी, और इसको आंच हल्की करके भूनेंगे ताकि ये जले ना, और इसके भुनने की अच्छी सी स्मेल आए। शीरा हमारा जो है उसमें चम्मच चलाते रहेंगे, ये चीनी ऑलमोस्ट घुल गई है। थोड़ी सी आंच अब शीरे की तेज़ कर देंगे, इसकी भी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, और इसको भूनेंगे। जब ये हो जाएगी गोल्डन ब्राउन तो फिर हम इसमें शीरा शामिल करेंगे। कितने सारे हलवे दुनिया में आ गए हैं, लेकिन ये सादा और देसी हमारा जो सूजी का हलवा है उसका मज़ा जो है वो, एक तो ये कि जल्दी बन जाता है। कभी कोई मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार मीठे में क्या है और कुछ नहीं होता, तो मैं 5 मिनट में सूजी का हलवा बना के कहती हूँ ये लें। और सूजी में ताकत भी होती है। मुझे याद है जब बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे तो उनके जब सॉलिड्स शुरू हुए थे तो उसमें केला था, खिचड़ी थी और सूजी का पतला हलवा भी था। इसमें हम दो चीज़ें अभी ऐड करेंगे। एक तो डालेंगे हम चुटकी नमक, आपको पता है मैं हर मीठी चीज़ में नमक डालती हूँ, और एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा जरदे का रंग।
जी सूजी हमारी बहुत अच्छी सी भुन गई है, खुशबू कमाल आ रही है और जर्दे का रंग मैंने इसलिए डाला है, अभी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें शीरा शामिल करेंगे तो कमाल हो जाएगा। चूल्हा हम सूजी का बंद कर देंगे, चूल्हा बंद, और अब हम इसको थोड़ा सा बस कि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, जी ये हमारा हलवा तैयार है। घी हमने इतना डाला ही नहीं कि साइडों से निकले, और ये बहुत मज़ेदार, ये देखें कितना स्मूथ, लग भी नहीं रहा। अब आप इसे जितना चाहें भून लें, जिस कंसिस्टेंसी पे चाहें रोक लें, मेरा ख्याल है मेरे लिए तो ये ठीक है, क्योंकि हमने पराठे के साथ खाना है और साथ में चाय की चुस्कियाँ भी लेनी है, तो इसलिए ये हलवा जी तैयार हो गया। इस पे आप बादाम डालें, पिस्ते डालें, किशमिश डालें, मुझे तो सादा ही पसंद है। तो अब चलते हैं पराठे की तरफ।
ये पराठा बनाते हुए इसकी आँच आपने हल्की रखनी है, उसकी वजह ये है कि ये होता है मोटा, इसके अंदर वो पूरे लच्छे होते हैं, तो अंदर तक पक जाए और हल्की आँच से पके तो वो स्टीम स्टीम से फिर नरम नरम से पुड़ियाँ निकलती हैं अंदर, तो इसकी आँच हल्की ही होगी। ये देखिए, ईमान देखो कितना प्यारा बन रहा है ये पराठा। ईमान चखेगी। ईमान प्लेट निकालो। You will try this parantha. आज की दावत है? जी, आज सुखवाल में है दावत। किसकी दावत है? मामू, ताहिर अंकल, असलम अंकल। सबर हमारा। वो तो पूरा ब्राउन होता है। हाँ तो ये ब्राउन होगा। ये डॉन का पराठा है। लग रहा है। ये मॉम का पराठा है। मॉम का देखिए इतना परफेक्ट है, बिल्कुल डॉन का पराठा लग रहा है। आपने देसी घी नहीं डाला इसमें? डाला है। सूंघो तो नॉर्मल पराठा था आपका, ब्राउन होता है। ये मैदे का है चंदा। अच्छा। हमारा पराठा आटे का होता है। ये देखो इसकी पुड़ियां। तो आप ऊपर छत पे पराठे नहीं बना रही? बना रही हूँ, वो आटे के और मैदे के मिक्स बना रही हूँ। ये देखो। हाँ हाँ, डॉन के जैसा नहीं, मैं आलमगीर जैसा बना रही हूँ। जो हम खाने जाते हैं कभी कभी, मम्मा को क्रेविंग होती है ना। गिव मी योर प्लेट गर्ल, कीप इट रेडी गर्ल, योर फिंगर बचाओ। यस बेटर। इतना ब्राउन ठीक है? और ब्राउन चाहिए? बस दे दे। और ये भी तो देखो, ये क्या है? सूजी का हलवा। यस। पराठे के साथ खाओगी? इतना गर्म पराठा है, मैं ठंडा करूंगी। देखो कैसे। हाँ गाइस, मम्मा का जो है ना, मम्मा को बिल्कुल भी फील नहीं होता। मम्मा यूं पूरे गर्म पराठे में हाथ डालती है। ये देखिए जी, छोटा सा पराठा। ये देखिए, और सूजी का हलवा। ये जो मैं करती हूँ, जो ईमान कह रही है, वो ये है। और वो आटे के पराठे से ज़्यादा। और ये पुड़िया देखे, ये देखे। आप खिलाएंगी तो टेस्ट अलग होगा। हाँ मैं खिला। डॉन का पराठा क्या बेचता है इस पराठे के सामने? अंडा। मजाक कर रही हूँ। ये बहुत आलमगीर का, डॉन का नहीं बनाया। हाँ। इसके साथ हलवा भी डालो। बाल पीछे करो। डैडी नहीं आए अभी तक? नहीं, उनको मेरा ख्याल है वेटिंग बहुत होगी। नब्बो इधर आओ, मैंने आलमगीर का पराठा बनाया लच्छे वाला। बहुत बुरा। क्यों आपने जाया किया? दूध वूध डाल के पता नहीं क्या बना दिया। मेरी थी वैसे भी। और मम्मा ये मेरी जैकेट फिर से पहननी है इसने। क्यों पहनी है मां? नबिया कोई सो में जरा, तुम भी चखो। भी भूख लगती है। मां बोले आप लोग खाओगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत रिकॉर्ड कर।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मजे का मेरी बाजी ने पराठा बनाया है, हलवा बहुत मजे का। चलें जी एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बनाएं ये आलमगीर का पराठा एट होम। बाहर से जब आप खाते हैं तो ये भी डर होता है कि इतने सारे लोग एक ही बर्तन में खाते हैं और फिर वो सही से धोते हैं नहीं धोते। तो आप घर पे बनाएं हलवे के साथ और साथ में चाय बनाएं दम वाली और खाएं, एंजॉय करें। ये मैडम जो है ना मेरी देखा देखी पराठा बना रही हैं, ये दावत के लिए मैं पेड़े बना के छत पे लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं, टेढ़ा होने तो भी ये रोल होगा। हाँ। लेकिन एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा नहीं, बैलेंस में करो। हाँ, ऐसे नहीं उतारते, एक तरफ से उतार के करो। यहाँ से दोनों हाथों से पकड़ो, यूँ ढीले ढीले हाथ से, या चलो इसी को रोल कर दो आप। नहीं मैंने पूरा, फिर और चिपक जाएगा ईमान। अच्छा गोल था ये कहीं, छोटी की पहली नहीं अभी रोल नहीं हुई है। अच्छा। ट्रायंगल रोटी। अच्छा घी तो लगाओ अंदर। ओ हाँ हाँ हाँ, अरे तो टूटने दो, कोई बात नहीं। ईमान इतना चिपक जाएगा कि टूट जाएगा। मैं पीछे सर्कल कवर कर देती, सही है। अब मैं घी लगाती, काफी है। हाँ लगाओ पूरा, थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप फैलाओ। यस अगर कहीं ड्राई है तो थोड़ा सा और लगा लो। डैडी को पता चला इतना खुश होंगे बेटा। अच्छा फिर इसको पकाऊंगी भी मैं। अच्छा क्या करोगी? पकाऊंगी भी मैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे ड्राई है बेटा, ये पूरा डब्बा इसी पे लग जाएगा। मम्मा मेरा पहला है। अच्छा सही है, चलो अब ड्राई आटा तो स्प्रिंकल करो। ये ऊपर करना होता है। अच्छा इसको हाँ। मलूं? नहीं 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 इसको नहीं मलना। चलो लंबी साइड से करोगी तो ज्यादा अच्छा है, लंबा सा वो बनेगा। इधर से चलो आप ऐसे ही कर लो। यूं आपने तो खैर से इतना नहीं नहीं उधर छोड़ दो इधर से करती जाओ यूं। अच्छा 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 ना, ये एक तो सही है भैया, मैं समझ आती है आपको आता है। ये चिपक क्यों रहा है? चिपक इसलिए रहा है कि आपने उसकी भुरतम निकाल दिया दबा दबा के। गुड जॉब। ओके अब देखें सही है। पॉपी के दुलवा दो सिर्फ। वाह जी वाह, नॉट बैड। अब इसको ऐसे दबा के थोड़ा बैलेंस कर दो। ईमान का पहला पेड़ा पराठे का। हाँ रख दो आटा, ज़ाया नहीं करते। यस पहले मैं आटे को ना देखिए उससे खेलती रहती थी, वो क्ले की तरह डो जो नहीं होता था।